नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में, अधिगम और शिक्षण, शिक्षण एवं अधिगम या अधिगम एवं शिक्षण, ये वीडियो लेकर के आया था मैं, जिसमें कि पेपर आपका ये होगा पेपर थ्री है या कोर्स थ्री कह सकते हैं आप, पेपर थ्री या कोर्स थ्री का वीडियो है ये, जिसमें कि मैं आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन को ही सिर्फ बताया था, क्वेश्चन को ही मैं सिर्फ दिखाया था और बताया था कि मैं अगले वीडियो में शिक्षण को लेकर के, माफ कीजिएगा, अधिगम को लेकर के वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं उसी को लेकर के आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अधिगम किसे कहते हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य को जानेंगे, कई सारे मनोवैज्ञानिक के परिभाषा को जानेंगे कि किस प्रकार से वो अधिगम को मानते हैं। फिलहाल इसका परिचय मैं दे दूं। क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि अधिगम लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसके कई सारे प्रकार की व्याख्या करें, तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा, इंट्रोडक्शन। परिचय में आप लिखेंगे, सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। सही बात है, जब तक व्यक्ति जन्म लेता है, जब से तब से कुछ न कुछ सीखते रहता है। ये आपको इंट्रो में लिखना है, इंट्रो यानी आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ तो सीखता ही रहता है, ये तो सही बात है। जो परिस्थिति, इच्छा एवं कैसे सीखता है, वो परिस्थिति को देख करके, परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ सीखता है। उसके बाद सीखता है इच्छा के अनुसार, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ सीखता है। आवश्यकता के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है, जो आवश्यकता है उनकी, वो सीखने की प्रक्रिया और सीखने की जो डिफिशेंसी होती है वो घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार से आप परिचय में लिखेंगे। और इसके लिए आपको कोई स्थान भी, इसमें जो अगला लिखेंगे आप, इसके लिए आपको कोई स्थान विशेष का निश्चित नहीं होता। आप किसी भी जगह किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हैं, एट रैंडमली किसी भी चीज़ को आप किसी भी स्थान पे सीख सकते हैं आसानी से, ये होता है। उसके बाद है, अधिगम का मानव जीवन से में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सही बात है, जो मानव जीवन में अधिगम यानी सीखने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि व्यवहार नियंत्रित, संशोधित एवं उपयुक्त बनाता है, व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे कि बच्चे में हम लोग चलते थे और गिरते थे, फिर चलते चलते सीख गए चलना और आगे दौड़ने लगता है बच्चा, तो ये होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, नियंत्रण होता है उसके शरीर पे, अन्य अंगों पे, संशोधित होता है। जब हम सीखते हैं कोई भी चीज़, कोई भी भाषा सीखते हैं, तो पहले बोलते रहते हैं कुछ और सीखने के बाद हम उसको सही करके बोलते हैं, तो उसको सीखना ही कहा जा सकता है, उस प्रक्रिया को सीखना कहा जा सकता है। उपयुक्त बनाता है, जो संशोधित एवं उपयुक्त, जो सबसे अच्छा होता है, वो हमको सीखना एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमको उपयुक्त बनाता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक इसके माध्यम में कहे हैं, तो मैं उनको डिस्क्राइब करूँगा। पहले तो समान अर्थ देख लेते हैं, इसका समान अर्थ होता क्या है। तो समान अर्थ में आप लिखेंगे, आप समान अर्थ में क्या, तो इंट्रोडक्शन पहले लिखना है क्वेश्चन में, उसके बाद सामान्य अर्थ लिखना है। सामान्य अर्थ में लिखना है कि सामान्य रूप से सीखने को हम ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया, सीखने को क्या मानते हैं, ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया। सामान्य रूप में सीखने को हम ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया मानते हैं, या कुछ अनुभवों के संग्रह के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि अनुभव से हमें प्राप्त होते हैं, किसी भी चीज़ के करने से हमको अनुभव जो प्राप्त होते हैं, उनको लेकर के जो हम संग्रह करते हैं अपने में, उनको भी सीखने का दर्जा दिया गया है। किसी भी कार्यों को करने का कौशल जान लेना भी सीखने का रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने का कौशल जान लेना भी सीखने की रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो किसी भी कार्य को हम करना सीख जाते हैं, जैसे बच्चे में जब कोई भी लेटर को लिखना होता है, जैसे अ होता है, कोई भी लेटर जब लिखते हैं हम, तो उसको लिखते लिखते बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम जब सीख जाते हैं, उस कौशल को हम सीख जाते हैं, लिखने की कौशल को सीख जाते हैं, बोलने की कौशल को सीख जाते हैं, कई अन्य प्रकार के कौशल को, दौड़ने की कौशल को सीख जाते हैं, तो वो जो कौशल होती है वो एक प्रकार का सीखना ही है। वो जो परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में, वो एक प्रकार का सीखना ही है, इस समान अर्थ में होता है। और विशिष्ट अर्थ में जब हम लिखेंगे पॉइंट में, विशिष्ट अर्थ में लिखेंगे कि जब देखिएगा, विशिष्ट रूप में जो सीखना होता है, ऐसी प्रक्रिया है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है विशिष्ट अर्थ में,
लिखना होगा कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन हो। क्या कह रहा है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन हो, ठीक है, वह सीखना है। जब विशिष्ट रूप में हम देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उसमें जो होता है परिवर्तन, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, संशोधन होता है। कोई चलने का जो ट्रेनिंग जिसके माध्यम से ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं ट्रेनिंग में जब हम चलने को, जो चलने का, दौड़ने का, बोलने का, कुछ काम करने का, तो उस ट्रेनिंग को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसमें हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लेते हैं जिसके माध्यम से अन्य काम, अन्य किसी कार्य को आसानी रूप से कर सकते हैं या उसी कार्य को आसानी रूप करने के लिए किसी भी अन्य कौशल की जरूरत होती है, उसको विशिष्ट रूप में सीखना कहा जाता है, ठीक। परंतु सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन सीखना नहीं है, ये भी सही। जब आप किसी बीमारी के कारण, किसी भी घटना के कारण आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम सीखने का दर्जा नहीं देते हैं। कब नहीं देते हैं? जब हम किसी बीमारी से या किसी भी अन्य तरीकों से, अन्य चीज़ के लिए हम किसी भी अपने व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो उसको सीखना नहीं कहा जा सकता है, जो कि अनुभव एवं अभ्यास द्वारा उत्पन्न होता है। जो वास्तव में जो सीखना होता है, जो कि अनुभव एवं अभ्यास में द्वारा जो उत्पन्न होता है वो सीखना कहलाता है मेन तौर पर। अब परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में बहुत सारे परिभाषाएं हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के तौर पे जो है अकॉर्डिंग है, मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि पहला मैं बता देता हूं कि चूंकि सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अतः इस संदर्भ में बहुत सी परिभाषाएँ मनोवैज्ञानिक में दी गई हैं, जिसमें कि कुछ प्रमुख परिभाषाएँ हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले बताऊँगा गेट्स एंड ऑदर, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। ये अक्सर CTET में भी पूछा जाता है कि गेट्स महोदय के अनुसार क्या है सीखने का परिभाषा, या तो परिभाषा दे दिया रहेगा और ये पूछेगा कि ये किन के अनुसार है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड ऑदर। हाँ, गेट्स महोदय ने क्या कहे थे कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्या कहे थे? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। वो कहे थे कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अनुभव और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी व्यवहार में परिवर्तन थ्रू द्वारा एक्सपीरियंस एवं प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन किया जाए तो वो सीखना कहलाता है। सीखना अनुभव एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये कहे थे कि सीखना एक, यहाँ आप लिख सकते हैं, सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण या अभ्यास कह सकते हैं, मैं प्रशिक्षण लेता हूँ, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये हो गए गेट्स महोदय के अनुसार। जब भी आपको पूछा जाए अधिगम क्या है तो उनके परिभाषा में आप ये लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, आप अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड ऑदर लिखेंगे, उसके बाद नीचे इस प्रकार से आप
डिस्क्राइब करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। अगला परिभाषा मैं बताऊंगा, इसमें कई सारे परिभाषाएं हैं जिसमें कि मैं कुछ परिभाषा लेने की कोशिश करूंगा, तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो 3-4 परिभाषा लेंगे और उसके बाद अगला एपिसोड होगा उसमें मैं आपको लर्निंग के गुण को बताने की कोशिश करूंगा, गुण बताऊंगा, उसके बाद टाइप बताऊंगा और बहुत सारे चीज़ें, इसको मैं पूरा ख़त्म करूंगा। यहाँ अब देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ महोदय कहते हैं इनके अनुसार है, आप देख सकते वुडवर्थ महोदय के अनुसार, आप देखिएगा यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रिया के प्राप्ति की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इसको कहते हैं नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रिया की प्राप्ति की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। हाँ, यह हो गया द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रिया की प्राप्ति की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक, ये समझ गए होंगे। अगला है स्किनर के अनुसार, स्किनर महोदय ने कहा, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, नहीं तो आप सुनकर भी याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगला जो होगा स्किनर महोदय के अनुसार, आप देख रहे होंगे स्किनर के अनुसार था, आपको मैं बता रहा हूँ, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, एडप्टेशन, ठीक है। स्किनर महोदय ने कहा कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ
प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडप्टेशन, क्या है कि लर्निंग सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वो किस प्रकार, जब हम किसी भी प्रोग्रेस यानी किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो वो जो उत्तरोत्तर यानी सीखने के बाद जो हमारे बिहेवियर में जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। कोई भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो जो हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर सीखने के बाद जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक, ये कहे थे स्किनर महोदय ने क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब देखिएगा अगला है क्रो एंड के अनुसार, ये क्या कहे थे क्रो एंड क्रो कहे थे कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। हाँ, ये कहे थे कि लर्निंग इज द एक्विजिशन एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये कहते हैं आदतें ज्ञान तथा अभिवृत्तियों, आदतें ज्ञान तथा अभिवृत्तियों अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, अधिगम है, अर्जन अधिगम है। ये कौन कहे थे, क्रो एंड क्रो। ये स्किनर क्या कहे थे कि सीखना एक उत्तरोत्तर व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना एक उत्तरोत्तर व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि जो हम व्यवहार है उसमें जब सीखते हैं किसी भी चीज को तो वो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और ये अगला था क्रो एंड क्रो के अनुसार था, आदतें ज्ञान की अभिवृत्ति का अर्जन है। क्या है, ज्ञान आदतें तथा अभिवृत्ति का अर्जन क्या है, अधिगम है। ज्ञान आदतें तथा अभिवृत्ति का अर्जन क्या है, अधिगम है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड। हाँ, ये तीन चार परिभाषाएं हमने बताए, अगले एपिसोड में मैं कुछ और परिभाषाएं लेकर जाऊंगा जिससे कि आपको आसानी होगी लिखने में। इस वीडियो में मैं इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस... No, I don't